आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। लॉकडाउन के दौरान अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बवाल के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिला बदर की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी थी। आरोपित पूर्व छात्र आमिर मिंटोई की गिरफ्तारी के बाद एएमयू छात्रों में आक्रोश पनपा हुआ है और सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी के विरुद्ध जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2019 को बवाल हुआ था। छात्रों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से बाहर निकलकर पुलिस पर पथराव भी किया था, जिसमें डीआईजी एसपी सिटी समेत दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे, इनमें 78 नामजद व 1300 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद मूल रूप से गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ निवासी पूर्व छात्र नेता आमिर मिंटोई का नाम मुख्य रूप से साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। जिला प्रशासन ने जनवरी के अंत में आमिर मिंटोई के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी को 6 माह के लिए जिला बदर किया था। इसके अलावा आमिर मिंटोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 4 बार से ज्यादा निष्कासित भी हो चुका है। इसके बावजूद भी आमिर मिंटोई लगातार एएमयू के अंदर धरना प्रदर्शनों में शामिल होता था। पुलिस इसकी लगातार तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान शहर के कोने कोने और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। इसी दौरान आमिर मिंटोई को मेडिकल कॉलेज के बाहर लगे बैरियर से हिरासत में ले लिया गया। आमिर मिंटोई की गिरफ्तारी के बाद एएमयू के तमाम छात्रों ने सोशल मीडिया पर उसकी रिहाई के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं जेएनयू मेडिकल कॉलेज में चल रहे कोरोना जांच को भी न होने का ऐलान कुछ छात्र नेताओं ने कर डाला है। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिषेक कुमार ने गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। दिनांक 15 अप्रैल को जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर के पास आमिर मिंटो नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसे 30 जनवरी को अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर घोषित किया गया था और धारा 10 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध थाना सिविल लाइन से आवश्यक कार्रवाई